लखनपुर पुलिस ने गोवंश की तस्करी के बड़े प्रयास को यहां पर विफल किया है। 16 बेजुबानों को यहां पर तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाते हुए एक गाड़ी को यहां पर सीज किया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये गाड़ी जैसे ही पंजाब की सीमा को लांघती हुई जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर हुई तो वहां पर लखनपुर पुलिस द्वारा एक नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान जब इस गाड़ी को जांच के लिए रोका तो चालक ने ये बताया कि गाड़ी में आटा लदा हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से एक जो साइड की जो एक खिड़की रहती है गाड़ी की, इसमें आटा लदा हुआ था। लेकिन जब शक के आधार पर लखनपुर पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी लखनपुर इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के साथ उनकी टीम द्वारा यहां पर नाका लगाया हुआ था, जब जांच की गई तो इसमें से अवैध रूप से लेके जाए जा रहे 16 बेजुबानों को लखनपुर पुलिस ने मुक्त करवाते हुए उन्हें पुलिस द्वारा बनाई गई गौशाला जो कि कीड़ियां गंडियाल गौशाला है वहां पर रखवा दिया है। मवेशी तस्करी के तरह तरह के प्रयास जो हैं ये तस्कर करते हैं, लेकिन एक तस्करी का बड़ा प्रयास जो है आज लखनपुर पुलिस की टीम ने यहां पर विफल किया है। ये जो तस्वीरों में आप गाड़ी देख सकते हैं JK03B8711 जो कि पंजाब से जम्मू कश्मीर में एंटर हुई तो पुलिस द्वारा यहां पर नाका लगाया हुआ था और इसी दौरान इस गाड़ी को यहां पर सीज किया गया है। और आपको ये बता दें कि तस्करी के तरह तरह के प्रयास जो हैं तस्कर करते हैं, कभी सब्जी की आड़ में, कभी फ्रूट की आड़ में, कभी बंद कंटेनर में और कभी ऑयल टैंकर में मवेशियों की तस्करी का प्रयास किया जाता है। लेकिन आज एक बड़ी तस्करी की वारदात को लखनपुर पुलिस की टीम ने यहां पर विफल किया है और ये आटे की आड़ में ये तस्करी को अंजाम देने के प्रयास जो है वो किया जा रहा था। 16 बेजुबानों को लखनपुर पुलिस की टीम ने यहाँ पर मुक्त करवाया है और उनको पुलिस द्वारा बनाई गई विशेष गौशाला में पहुँचा दिया है। लखनपुर से सर्वजीत सिंह, JK मीडिया के लिए। उस गिंदे जाए जी, दो गए ना, एक ही है, एक शी है उन्हें भी, ये भी ही है। Ok।
अभी बैल है।